पृथ्वी और उसका सौर संबंध। प्रकाश चक्र वैसी काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को प्रकाशित और अप्रकाशित भाग में बांटती है। पृथ्वी के परिक्रमण की दिशा पश्चिम से पूर्व है। जिस कक्षा में पृथ्वी का परिक्रमण करती है वह अधिक होती है। 3 जनवरी को सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी अपेक्षाकृत कम हो जाती है, जिसे उपसौरिक या पेरिहेलियन की स्थिति कहते हैं। यह दूरी 3.15 करोड़ मील है। इसके विपरीत उत्तरायण की स्थिति में 4 जुलाई को पृथ्वी से कुछ दूरी पर चढ़ जाती है, इसको अपसौरिक एपीहीलियन कहते हैं। इसकी दूरी 9.45 करोड़ मील है। एप्साइलन रेखा उपसौरिक तथा अपसौरिक को मिलाने वाली काल्पनिक रोशनी के केंद्र से गुजरती है, इसे एप्साइलन रेखा कहते हैं। अक्षांश लैटिट्यूड ग्लोब में पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा जिसे अंश से प्रदर्शित किया जाता है। वास्तव में अक्षांश और कोण जो विषुवत रेखा के तो विषुवत रेखा तथा किसी अन्य स्थान के बीच की पृथ्वी के केंद्र से बनती है। विषुवत रेखा शून्य अक्ष की स्थिति में माना जाता है। यहाँ से उत्तर की ओर बढ़ने वाली पूरी दूरी उत्तरी अक्षांश और दक्षिण से बढ़ने वाली दूरी को दक्षिणी अक्षांश कहते हैं। अधिकांश सीमा पर ध्रुव होता है, जिसे 90 डिग्री उत्तरी या दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। सभी अक्षांश रेखाएं समांतर होती हैं, जो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी क्षेत्रफल जोन के नाम से माना जाता है। दो अक्षांश के मध्य की दूरी 111 किलोमीटर होती है। देशांतर यह ग्लोब का उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखा है। ये रेखाएं समांतर नहीं होती हैं। ये रेखाएं उत्तर और दक्षिण ध्रुव पर एक बिंदु पर मिली होती हैं। ध्रुव पर विषुवत रेखा के बीच खींचने पर देशांतर रेखा के बीच की दूरी बढ़ती है तथा विषुवत रेखा के बीच की दूरी अधिकांश अधिकतम 111.32 किलोमीटर होती है। ग्रीनविच विलय दशमलव से गुजरने वाली रेखा को ग्रीनविच देशांतर माना जाता है। इसकी बाईं ओर रेखाएं पश्चिम देशांतर की पश्चिमी देशांतर और दक्षिण पूर्वी देशांतर होती हैं। देशांतर के आधार पर किसी भी स्थान का समय ज्ञात किया जाता है। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी को कोर के नाम से जाना जाता है। शून्य अक्षांश दक्षिण अक्ष देशांतर अटलांटिक महासागर को काटती हैं। संक्रांति सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायण की सीमा को संक्रांति कहते हैं। कर्क रेखा 1 जून को सूर्य कर्क रेखा 23.2 डिग्री नॉर्थ लंबवत होती है। इसे कर्क संक्रमति कहते हैं। इस दिन उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। मकर संक्रांति 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत होते हैं, इसे मकर संक्रांति कहते हैं। दक्षिण गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। विषुवत पृथ्वी की वह स्थिति जब सूर्य की किरण विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती है तथा सर्वोत्तर दिन रात बराबर होता है। 22 दिसंबर तथा 21 मार्च को संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होता है। इसे ग्रंथस्तर विषुवत तथा वसंत विषुवत कहते हैं। सूर्यग्रहण जब कभी दिन के समय सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाते हैं तो सूर्यग्रहण होता है। सतह पर चंद्रमा के कारण पृथ्वी दिखाई नहीं पड़ती और तो इस स्थिति में सूर्य ग्रहण कहते हैं। सूर्य एक आयिक भाग छिपा होता है, जिसे आंशिक सूर्य ग्रहण कहते हैं। जब पूरा सूर्य कुछ क्षणों के लिए छिप जाता है, जिसे पूर्ण सूर्य ग्रहण कहते हैं। जब सूर्य ग्रहण कुछ क्षणों के लिए छिप जाता है, जब पूर्ण सूर्य ग्रहण कहते हैं। पूर्ण सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या को होता है। चंद्र ग्रहण जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाते हैं तो इस पूरी रोशनी चंद्रमा पर नहीं पड़ती, इसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा की रात्रि की होती है। प्रत्येक पूर्णिमा में चंद्र ग्रहण नहीं होता है, क्योंकि चंद्रमा और पृथ्वी की कक्षा पथ 5 डिग्री का अंतर होता है, जिसके कारण चंद्रमा कभी पृथ्वी के ऊपर या नीचे से गुजरती है। एक वर्ष में 3 बार पृथ्वी का छाया क्षेत्र चंद्रमा से गुजरता है। चंद्रमा लगता है सूर्य के समान चंद्र ग्रहण का आंशिक तो पूर्ण होता है। समय का निर्धारण एक देशांतर का अंतर होने पर समय में 4 मिनट का अंतर होता है, जो कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। भारत पूर्व की ओर बढ़ने पर प्रत्येक देशांतर का समय 4 मिनट बढ़ता है। पश्चिम के जाने पर देशांतर का समय 4 मिनट घटता है।
अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है 180 डिग्री देशांतर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है। कौन से घटक के इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस 180 mm अंतर अंतर निर्धारित किया गया। ऐसे इसलिए किया गया ताकि विभिन्न देशों के मध्य यात्रियों के कुछ स्थानों पर एक दिन का अंतर होने का रोशनी न हो। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा आर्कटिक सागर चुकी सागर बेरी बोरिंग स्टेट के वह प्रशांत महासागर से गुजरती है।